मध्य प्रदेश शासन द्वारा भूमाफिया, राशन की कालाबाजारी, मिलावटखोरों, भूमाफियाओं, चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस विभाग को दे दिए गए हैं। वहीं निर्देशों के तहत पुलिस एवं प्रशासन तथा नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा इस प्रकार के माफियाओं की लिस्ट एवं उनके द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण एवं कब्जे की जानकारी तैयार की गई है तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की योजना तैयार कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज जबलपुर थाना हनुमान ताल का निगरानी बदमाश कल्लू उर्फ हिमांशु कौरी पिता गौरी शंकर कौरी उम्र 38 वर्ष निवासी भवंतरा या सती चौक, जिसके विरुद्ध हत्या का प्रयास सहित अवैध वसूली, चोरी, जुआ एक्ट आदि के 32 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनके द्वारा भवंतलैया से सती चौक के पास लगभग 150 वर्ग फीट शासकीय भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, जिस पर कब्जा कर लगभग 1 लाख रुपए की लागत से कमरे का निर्माण कर कमरे से अवैध गतिविधियां संचालित कर रहा था, जिसको लेकर आज नगर निगम के सहयोग से जमींदोज कर दिया गया। विवाद की आशंका को देखते हुए कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी हनुमानताल श्री उमेश गोरानी द्वारा थाने के बल के साथ एवं नगर निगम जोन प्रभारी श्री महेंद्र पाल उइके तथा अतिक्रमण दस्ता के श्री एहसान खान नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता के साथ मौजूद थे। जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जी आज ये जो कार्यवाही की गई है तो बताइए इसमें कौन था ये निगरानी बदमाश, कहाँ कब्जा किया हुआ था? हमारे पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश हमको दिए हैं, सभी थानों को दिए हैं कि आपके थाना क्षेत्र में जितने भी निगरानी बदमाश हैं, गुंडे बदमाश हैं, इनका संपत्ति के बारे में पता किया जाए और अवैध कब्जा उन्होंने किया है, अवैध निर्माण किया है, उनको तोड़ा जाए और उनको फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर किया जाए, तभी इन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। इसी प्रकार इसी तारतम में हमारे थाना क्षेत्र का हिमांशु उर्फ कल्लू कोरी है, उसकी जब हमने संपत्ति पता की तो इसने जो है रोड के किनारे लगभग 150 स्क्वायर फीट ज़मीन कब्जा करके और उसमें निर्माण कर लिया था, एक कमरा बना लिया था, लगभग 3 लाख की वह जमीन का आकलन है और उसमें निर्माण लगभग 1 लाख रुपए का होगा। इस प्रकार से उस निर्माण को नगर निगम की टीम के सहयोग से हमने आज गिराया है और उसको जो है फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर करने का यह एक बहुत अच्छा कदम है। इसके विरुद्ध हमने जो है समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी की हैं और इसके खिलाफ हमारे थाना क्षेत्र में लगभग 32 अपराध पंजीबद्ध हैं, हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, अवैध रूप से जुआ खिलाना, इस प्रकार के सभी कैटेगरी के अपराध इसके विरुद्ध पंजीबद्ध हैं और क्षेत्र में जो है काफ़ी इस बात की खुशी है कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही है, जनता में विश्वास जो है बना है पुलिस के प्रति और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं तो ऐसे और भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनकी अवैध जिन्होंने अवैध निर्माण किया है या अवैध कब्जा किया है, उनको भी गिरवाने का कार्य किया जाएगा।